देश का एजुकेशन हब बन चुके इंदौर में लगातार बढ़ती फीस के कारण छात्र छात्राएं फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा ही दो मामला सामने आया इंडेक्स कॉलेज में पढ़ने वाली दो छात्रों के सुसाइड जैसी गंभीर घटनाओं के सामने आने के बाद। फिलहाल दोनों ही मामलों में बढ़ती फीस और अन्य बातों की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस दोनों ही घटनाओं की जाँच कर रही है। पहली घटना इंदौर के अखुड़ेल थाना क्षेत्र में स्थित इंडेक्स कॉलेज में पढ़ रही बीडीएस की छात्रा स्मृति ने एनेस्थीसिया के हाईडोज लेकर आत्महत्या कर ली। 11 जून 2018 को स्मृति ने हॉस्टल में सुसाइड किया। सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें उसने इंडेक्स कॉलेज प्रबंधक की जातियों के बारे में जिक्र किया था और मौत का जिम्मेदार कॉलेज प्रबंधक को बताया था। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कॉलेज प्रबंधक सुरेश भदौरिया और के खान पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया था। फिलहाल दोनों आरोपी अग्रिम जमानत लेकर जेल से बाहर घूम रहे हैं। वहीं स्मृति की मौत के मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई थी कि 2 महीने बाद एक बार फिर इंडेक्स कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने फीस सहित अन्य बातों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्रा शिवानी ने सुसाइड करने से पहले 2 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था। ये घटना जो आप बता रहे हैं ये कल थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र की है। जो बच्ची के पिता पुलिस में ही कार्यरत हैं और जो बच्ची है वो बीडीएस की छात्रा थी, तो उनके द्वारा कल एक सुसाइड हो गया और उसमें उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें आर्थिक तंगी का उल्लेख किया है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए उनका कहना है कि उस सुसाइड नोट के अनुसार उसमें आर्थिक तंगी का उल्लेख है जिसके कारण उन्होंने कदम उठाया। परिजनों ने अभी तक किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष ऐसे किसी पे कोई अभी तक आरोप नहीं लगाया है अभी तक की जांच में, क्योंकि मामला अभी कल का ही है। अभी तक की जांच में तो अभी तो किसी पे ऐसी कोई समस्या को तो उन्होंने अभी बयान जो उनसे जो अभी तक पूछताछ हुई उन्होंने ऐसा कोई समस्या तो नहीं बताया है कि ना किसी पर ऐसा आरोप लगाया। आगे अगर वो कोई ऐसा तथ्य आता है तो उसको बिल्कुल अच्छे से जाँच करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी।